वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, आज मैं अपने किचन में आपके लिए एक बहुत अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ। ये शायद मेरे चैनल में ही नहीं, यूट्यूब में भी पहली बार है, क्योंकि ये मेरी खुद की इनोवेटिव रेसिपी है। ये रेसिपी स्पेशल मेरी उर्स फ्रेंड्स के लिए, उन सब फ्रेंड्स के लिए है जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं आलू परवल बगैर प्याज लहसुन के, दही वाले आलू परवल। ये आलू ले लिया है मैंने, परवल मैंने ऐसे चंक्स में काट लिए हैं। पकाने के लिए सौंफ, राई, ये ग्रीन चिली मैंने स्लिट करके लिया है, हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, गुड़ पाउडर, तीखी लाल मिर्च पाउडर, फेंटी हुई दही और चॉप्ड धनिया पत्ता। अब गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई पे मैंने ऑलमोस्ट 2.5 टेबल स्पून तेल वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये सारे परवल डाल देंगे और इसको थोड़ा नमक और हल्दी डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये मैंने थोड़ा नमक डाल दिया है और इसी हल्दी डाल दिया है। दोस्तों देखिए, परवल कितने अच्छे से फ्राई हो गया है। इसको तेज आंच पे मैंने 7 मिनट तक फ्राई किया है। अब इसको निकाल लेते हैं तेल से। अब इसी तेल में हम ये आलू भी फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा नमक हल्दी डाल के। देखिए दोस्तों, आलू भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। आलू भी मुझे 5 मिनट लगा तेज आंच पे, अब हम इसको भी निकाल लेंगे। अब इसी तेल में राई और सौंफ डाल देंगे, अब हल्दी पाउडर डाल देंगे, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गुड़ और नमक। अब इसी में हम दही पूरा डाल देंगे। अब इसमें हम ये तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे और इसको ऐसे चलाते हुए हमें 7-8 मिनट तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। आप देखेंगे, देखिए देखिए कैसे कड़ल हो गया है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम गड़बड़ नहीं है, एक्चुअली हमें अपनी ग्रेवी में ऐसे कड़ल दही की ही कंसिस्टेंसी चाहिए। देखिए मसाला कितने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे, परवल भी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसको हम ढक के मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने देंगे, क्योंकि आलू परवल अपना वैसे ही पका हुआ है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस ग्रेवी पक जाए अच्छे से। दोस्तों अब हम ये हरी मिर्ची डाल देंगे अपने, आलू भी गल गया है देखिए, और हमारा सब्जी बनके तैयार हो गया है। अब ये हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। दोस्तों हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है, अब हम इसको सर्व भी कर दिया है। अब आप ही बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर कि ये सब्जी आपको कैसा लगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बाय बाय।